जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Now we start our chapter 3 in the earlier city in the study notes. We finished our chapter in the textbook. Now we start. Question 1. How do archaeologists know the cloth was used in the Harappan civilization? Archaeologists थे, उसने किस तरह से find किया था कि वो लोग किस तरह के cloth से वो use करते थे? Archaeologists have found spindles from the excavation sites. Presence of the spindles shows that people knew how to make clothes. People लोग जानते, वहाँ के लोग थे वो जानते थे कि क्लोथ को किस तरह से बनाते हैं. This shows that people in the Harappan civilization used the cloth. Now the second question. Match the column copper Gujarat gold Afghanistan tin Rajasthan precious stones of the Karnataka. फर्स्ट है कॉपर, कॉपर है वो कहाँ पे मिलता है? राजस्थान, अभी भी वो राजस्थान से मिल जाता है. गोल्ड था वो कर्नाटक में मिलता था, टीन था वो अफगानिस्तान से मिल जाता था एंड जो प्रेसिजियस स्टोन्स थे वो गुजरात से मिल जाते थे. नाउ क्वेश्चन 3, व्हाई वेयर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लो इम्पोर्टेंट फॉर द हरप्पन्स? ये जो सारी चीज़ें थी वो हरप्पन्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी? मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लो वेर इम्पोर्टेंट फॉर द हरप्पन्स इन अ मैनी वेज. बहुत सारे वेज में उन लोगों को यूजफुल थी. मेटल्स वेर यूज फॉर मेकिंग वेरियस टूल्स. मेटल से वो बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए यूज़ होती थी. यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, सील्स बनाने के लिए यूज़ होती थी. राइटिंग वॉज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ट्रेड एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज. ये जो राइटिंग थे वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, वो जो ट्रेड्स व्यापार करते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनके पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. द व्हील वॉज यूज्ड इन द कार्ट्स टू फेरी पीपल इन एंड गुड्स. व्हील से वो गुड्स को सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता था. व्हील वॉज ऑल्सो यूज्ड एज पॉटर्स व्हील. पॉटर का व्हील बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था. प्लो वॉज यूज्ड फॉर टीलिंग द लैंड सो दैट फार्मिंग कुड बी डन. फार्मिंग के लिए प्लो है वो यूज़ किया जाता था. ओके, नाउ क्वेश्चन 4, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन. जो हमने टेराकोटा टॉयज है वो हमने यहाँ पे जो देखे थे चैप्टर में, बहुत सारी इमेजेस आई थी. विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट? नाउ अवर आंसर इज एनिमल फिगर्स हमने देखी थी, मॉडल कार, प्लो आर सम ऑफ द टेराकोटा टॉयज मेंशन इन दिस लेसन. I think children would have liked playing with the model cart the most. Even today, most of the children enjoy playing with the toy cars. हम लोगों ने क्या क्या देखा था? एनिमल फिगर्स देखी थी, मॉडल कार देखा था, प्लॉफ देखा था, वो जो टेराकोटा टॉयज थे अभी तो ये लोग एंजॉय करते होंगे. आज के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन है वो ये जो टॉय कार्स होते हैं उसे खेलना बहुत ही पसंद करते हैं. क्वेश्चन 5, मेक अ लिस्ट ऑफ द व्हाट द हरप्पन्स एट. वो लोग क्या खाते होंगे? एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टूडे. और ये जो सारी चीज़ें होती होगी वो जो आज के ज़माने में भी हम लोग यूज़ करते हैं. द पीपल ऑफ हरप्पा एट वेरियस काइंड ऑफ द ग्रेन्स. बहुत सारे ग्रेन्स थे वो लोग यूज़ करते थे खाने के लिए. राइस, व्हीट, बाले, पल्सिस, मस्टर्ड, फ्रूट्स, फिश, मीट, मिल्क, ये जो सारी चीज़ें थी वो लोग यूज़ करते थे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ईट इवन टूडे. आज के ज़माने में भी हम ये जो सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं. एट अ प्रेजेंट वी ईट राइस, व्हीट, पल्सिस, फिश, मीट, मिल्क, बार्ली इज़ यूज्ड बार्ली बाय अस. ओके, ये जो सारी चीज़ें थी वो यूज़ उस ज़माने में भी होती थी और आज के ज़माने में हम लोग भी यूज़ करते हैं. Question 6, do you think that the life of the farmers and the herders who supplied food to the Harappan cities
was different from that of the farmers and herders you read about in the chapter 3. Give a reason for your answer. यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो जो फार्मर की लाइफ थी एंड जो हर्डर्स की लाइफ थी वो कौन कौन थे वो जो हरप्पन सिटीज़ में फूड को वहाँ पे सप्लाई करते थे. अवर आंसर इज इन द चैप्टर डिस्कशन अगर हमने देखा है कि मैनी ऑन रूरल पीपल बट इन दिस चैप्टर द डिस्कशन इज मेनली ऑन अर्बन पीपल. इन बोथ केसेस फार्मर्स एंड द हर्डर्स डिड द सेम टाइप ऑफ वर्क. ये दोनों ही वो ये सो सारा सेम काम करते थे बट देयर ग्रुप वॉज मच बिगर इन केस ऑफ द हरप्पन सिटीज. उनका ग्रुप बहुत ही बड़ा था. देयर वर्क कुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज कंपेयर टू वॉट इट वॉज इन अर्लियर सोसाइटीज. फार्मर्स एंड द हर्डर्स मेनली प्रोड्यूस फॉर देयर ओन यूज बट इन द केस ऑफ द हरप्पन सिटीज इन द फार्मर्स एंड द हर्डर्स सोल्ड देयर सरप्लस प्रोडक्शन. अगर हमने आगे वाले चैप्टर में देखा है तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, वी लर्न दैट फार्मर्स एंड द हर्डर्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड अपने यूज़ के लिए वो लोग करते थे बट इन हरप्पन सिटीज दे ऑल यूज फार्मर्स एंड हर्डर्स सोल्ड देयर सरप्लस प्रोडक्शन. ओके नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. फर्स्ट है वाई इज़ द इंदूस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन. ये जो इंदूस वैली थी उनको सिविलाइजेशन था उन लोग को क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन क्या माना जाता था. द इंदूस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड द फीचर्स ऑफ अदर सिटीज वेर सिमिलर टू हरप्पा. हरप्पा एक ऐसा सिटी है वो जो सबसे पहले डिस्कवर्ड होता है, उसके जो फीचर्स है वो अदर साइड्स थे और सारे सिटीज थे उनसे सिमिलर आते थे. सो उसको हरप्पन सिविलाइजेशन से मिला जुला मिलता था, सिमिलर था. सेकेंड, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द इंदूस वैली सिविलाइजेशन. आंसर, हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कोटदिजी, कालीबंगम, बानावाली एंड रोपर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज थे ये जो इंदूस वैली सिविलाइजेशन में आते थे. क्वेश्चन सी, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट ऑफ द ग्रेट बाथ. ये जो ग्रेट बाथ था उसका इम्पोर्टेंट क्या था. द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज स्ट्रक्चर फाउंड एट द मोहनजोदारो. ये जो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था मोहनजोदारो में, इट वॉज अ पब्लिक बिल्डिंग एंड वॉज प्रोबेबली यूज फॉर द रिलीजियस एंड द सेरेमोनियल पर्पजेज. ये जो ग्रेट बाथ था वो बनाया गया था वो जो कोई रिलीजियस के लिए यूज़ करता था, कोई भी ओकेजनली कुछ पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था. ये कैसी पब्लिक बिल्डिंग बनाई थी ग्रेट बाथ बाथ के लिए. व्हाई डू यू थिंक द इंदूस वैली पीपल पेड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द हाइजीन. ये जो इंदूस वैली पीपल थे वो क्यों इतना इम्पोर्टेंस हाइजीन को देते थे. आंसर इज द एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंदूस वैली पीपल सजेस्टेड दैट दे पेड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द हाइजीन. द ड्रेन्स वेयर कवर्ड विद द स्टोन. वो जो ड्रेन थी वो किससे कवर हो गई थी, स्लैब्स विच कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन थेम. वो रिमूव कर देती थी वो जो ड्रेन थी उसको क्लीन कर देते थे होती थी. दे ऑल्सो हैड मैन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू क्लीन थे. वहाँ पर बहुत ही बिग मैन होल भी रखा हुआ था कि वहाँ पर भी वो क्लीन हो जाता था. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट हरप्पन सेट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज. आंसर इज देर इज अ एविडेंस टू सपोर्ट दैट हरप्पन हैड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. हरप्पन की वो जो व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा और कोई कंट्री के साथ रिलेशन थे. सम हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड एंड इन मेसोपोटामिया एंड मेसोपोटामियन सील्स हैव बीन फाउंड इन द हरप्पा. ये जो एक्सचेंज होते रहते थे वहाँ से चीज़ें आती थी तो हमारा उन लोगों का सील लगा रहता था, हमारी चीज़ें वहाँ पर जाती थी तो वहाँ पर हमारी हरप्पा का सीले वो लगा रहता था. द डोकिया डेट द लोथल कन्फर्म्स डेट द हरप्पन्स वेर फेमिलियर विद द सिप्स. तो वो लोग फेमिलियर थी क्योंकि वो लोग गुड्स को एक्सचेंज करते रहते थे. वी कैन से दैट ब्रिस्क ट्रेड एक्साइटेड विद द पैरिसियन गल्फ रीजियन ईरान अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया. ये जो सारी जगह पे ये जो ट्रेड था वो हमारा स्प्रेड हो हरप्पा का स्प्रेड हो चुका था. नाउ आवर चैप्टर फिनिश. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.